भारत का श्रीलंका दौरा, जी हाँ, तीन T20 आई और तीन वनडे मुकाबले की हम बात करें तो कल शुरुआत होगी पहले T20 से। और इस वीडियो में मैच प्रीव्यू के दौरान हम बात करेंगे टीम 11 पर और साथ ही साथ हेड टू हेड और वेदर कंडीशन के साथ पिच का क्या मिजाज रहेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस जो मैच को लेकर, ये कहां पे हो रहा है, श्रीलंका के पल्ले केले के मैदान पे हो रहा है और कल जो मुकाबला खेला जाएगा ठीक शाम को 7 बजे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस मैदान पर या इस विकेट की हम बात करें पर्टिकुलर तो किस तरह का मिजाज रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 173 एवरेज इस टोटल है और हाईएस्ट है 263 इस ग्राउंड पर। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा टॉस जो होगा वो बहुत ही अहम होगा क्योंकि इस ग्राउंड पर जो भी टीमें टॉस जीती हैं वो पहले बल्लेबाजी करती है, क्योंकि अब तक 22 मुकाबलों में 12 पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं और 8 दूसरी बैटिंग में टीमें जीती हैं। और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि टॉस और वेदर कंडीशन का क्या मिजाज होगा। वेदर कंडीशन की हम बात करें, भारत में बारिश का माहौल है, पूरे भारत में लगभग बारिश हो रही है, लेकिन श्रीलंका में ऐसे में मुझे लगता है कि मौसम साफ रहेगा और मैच आसानी के साथ हो जाएगा। हेड टू हेड की बात करें, दोनों टीमों के बीच में 29 मुकाबले हुए हैं। भारत यहां पर काफी हावी है, 19 जीते हैं और 9 श्रीलंका ने, 2 का नतीजा नहीं आया। अब आइए प्लेइंग 11 पे अगर आप नजर डालें क्या हो सकती है प्लेइंग 11। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय टीम की, तो शुभमन गिल ओपनिंग में आ सकते हैं एसएसवी जायसवाल की, और इसके अलावा वहां पर साथ ही साथ सूर्य कुमार और ऋषभ पंत, इनको भी मौका मिलेगा क्योंकि सूर्या जो है वो कई बार नंबर 3 पे आते हैं, कई बार नंबर 4 पे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि रिंकू सिंह का भी लगभग खेलना तय है और साथ ही साथ शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या T20 में शामिल हुए हैं लेकिन वनडे में वो शामिल नहीं हुए हैं। अक्षर पटेल ये एक तौर पे रहेंगे, लेकिन रवि बिश्नोई और इसके अलावा आप देखें तो वाशिंगटन सुंदर में, इन दोनों में थोड़ा बैटल रहेगा। मेरे ख्याल से देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे बिश्नोई को खिलाते हैं या वाशिंगटन सुंदर को। अर्शदीप जरूर खेलेंगे और साथ ही साथ मोहम्मद सिराज जो कि चोटिल हुए जरूर है लेकिन उनके खेलने पे संशय है, ऐसे में क्या खालिद को मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं श्रीलंका की तरफ से उनके 2 खिलाड़ी रूल्ड आउट हुए हैं इंजरी की वजह से, इंजर्ड हुए थे, लेकिन उनकी जो प्लेइंग 11 होगी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पदुम निशांका शुरुआती दौर में कुशल मेंडी के साथ आ सकते हैं, कुशल मेंडिस ने लंका प्रीमियर में शानदार प्रदर्शन किया था, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, शतक भी लगाया था। कुशल परेरा और चंडीमल ये भी दोनों विकेट कीपर हैं, लेकिन इनमें से कौन खेलेगा ये कल के मैच में बड़ी खबर रहेगी, लेकिन ऐसे में मुझे लगता है कि कुशल परेरा को मौका मिल सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे चरित असलंका जो कैप्टन है उनको भी खेलना है और ये नंबर 4 पे जरूर आएगा। दर्शन सनाका एक अच्छे बल्लेबाज और एक ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी करते हैं। हसरंगा जो कि पूर्व कप्तान है वो जरूर रहेंगे, एक अच्छे स्पिन गेंदबाज है। विल्लगे ये उभरता हुआ चेहरा है, काफी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं अच्छा खेल रहे हैं। महेश तीक्ष्णा स्पिन में कुछ कमाल कर सकते हैं। मधीसा पथिराना की बात ही अलग है क्योंकि वो एक तेज गेंदबाज है, स्लिंगिंग एक्शन है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि उनका क्या प्रदर्शन रहता है। मधु सनाका ये एक अच्छा नाम है, मुझे लगता है कि ये कल के मैच में प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं और ये देखने वाली बात होगी कि दोनों टीमों का ये पहला जो मैच होगा जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। 2021 में 2-1 से श्रीलंका ने जीता था और 2024 में देखना है श्रृंखला का क्या नजर होता है और क्या असर होता है। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।